चैनल लिटरेचर होलिक्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द इफेक्ट्स ऑफ रेनेसा ऑन एलिजाबेथन लिटरेचर। रेनेसा के जो भी इफेक्ट्स हैं एलिजाबेथन लिटरेचर पे वो उन्हें हम सारा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वी ऑल नो कि रेनेसा इज अ लिटरेरी मूवमेंट, एक्चुअली नॉट लिटरेरी मूवमेंट, रेनेसा एक मूवमेंट था। रेनेसा एक्चुअली द वर्ड मीन्स पुनर्जागरण। तो यहाँ हम बने पढ़ेंगे पुनर्जागरण लिटरेचर में कैसे हुआ था। तो जो भी इफेक्ट्स हैं वो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और हम एज वी ऑल नो रेनेसा एक मूवमेंट है जो स्टार्ट तो इटली में हुआ था बट इसका इन्फ्लुएंस इंग्लैंड में थोड़ा लेट आया था और हम इंग्लैंड का लिटरेचर लेके चल रहे हैं। तो रेनेसा हम पढ़ेंगे। रेनेसा इंग्लैंड में एलिजाबेथन एज में आया था और क्या क्या चेंजेस हुए थे उसके कारण, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको नहीं पता है व्हाट रेनेसा एक्चुअली इज, तो रेनेसा के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू गाइस कैन चेक आउट देयर। एंड ये इट्स मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये वीडियो देखने के पहले यू गाइस मस्ट चेक दैट वीडियो, क्योंकि अगर रेनेसा नहीं पता होगा तो उसके इन्फ्लुएंस समझ में नहीं आएंगे कि एक्चुअली है और कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और जितने भी सारे नोट्स हैं जो चीजें डिस्कस होंगी वीडियोज में, वो सारे नोट्स फुल डिटेल में अवेलेबल होंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और नाउ इन टेलीग्राम ऑल्सो। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग दोज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑल्सो। तो इफ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन अपडेट। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स रोल। सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा ऑन एलिजाबेथन लिटरेचर। रेनेसा का एलिजाबेथन लिटरेचर पे क्या इन्फ्लुएंस है। नाउ रेनेसा जैसे मैंने पहले बताया वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो यू गाइज कैन चेक देयर। सो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, लाइक वॉट आर द इन्फ्लुएंसेस इन जनरल, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिज्म क्या है, इट इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब जो भी सारी चीज़ें इसमें, दिस ऑल आर लिंक टू रेनेसा। सारी रेनेसा से ही रिलेटेड है। जब तक रेनेसा नहीं पता होगा कि क्या है तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो इट्स बेटर यू गाइज फर्स्ट चेक दैट वीडियो एंड देन कम हियर अगेन। फिर नेक्स्ट द स्पिरिट, सॉरी इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी एंड एडवेंचर, इन्फ्लुएंस ऑफ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। अब जैसे रेनेसा मीन्स रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, तो क्लासिकल लर्निंग तो आनी है क्योंकि यहाँ हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। तो जो पहले की चीज़ें थी उन्हीं का दोबारा जन्म हो रहा, वही चीज़ें दोबारा, मतलब विथ सम डिफरेंट स्टाइल वही चीज़ें दोबारा रिप्रेजेंट हो रही हैं। स्पिरिट ऑफ रेशनल एंड साइंटिफिक क्वेस्ट एंड देन कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन, द रेनेसा रीच्ड इंग्लैंड लेट। जैसे मैंने पहले बताया रेनेसा जो मूवमेंट है इंग्लैंड में तो 16th century में है, बट ये स्टार्ट हुआ था इटली में और वहाँ से यहाँ आने में उसको काफ़ी लेट लगा है। तो इट रीच इंग्लैंड लेट, और क्योंकि हम इंग्लैंड लेके चल रहे हैं तो इटली से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो वीडियो अपलोडेड है चैनल पे ऑलरेडी रेनेसा के बारे में जिसमें पूरी डिटेल में डिस्कस है, उस वीडियो में इटली का भी मतलब पूरा वो है, ठीक है। सो इट इज़ द पीरियड व्हेन द मूवमेंट रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिटरेचर। ये वो पीरियड है जब ये रेनेसा जो मूवमेंट है वो रीच इट्स क्लाइमैक्स पे है एंड कंट्रीब्यूटेड टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिटरेचर। क्योंकि जो भी सारे चेंजेस होते हैं किसी भी एरा में ड्यू टू एनी मोमेंट और एनीथिंग एल्स, तो वो सारी चीज़ें लिटरेचर में आती ही आती हैं। तो इस एरा में तो इट वाज द क्लाइमैक्स, जो सारे सडन चेंजेस थे वो इस एरा में हुए थे, तो सारी चीज़ें आर डिस्कस्ड हियर। तो देखते हैं आगे क्या है। इट वाज एट इट्स हाइट विथ स्पेंसर एंड शेक्सपियर। तो एज लिटरेचर की बात करें तो राइटर्स ना हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये अपनी हाइट पर था किसकी वजह से, स्पेंसर और शेक्सपियर। अच्छा, अब इस एज को शेक्सपियर के नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है, बट अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव पोएट की एलिजाबेथन एज की, तो वो स्पेंसर है। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि देखिए, शेक्सपियर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया जिसकी वजह से वो एराइन के नाम से जाना जाता है, बट उन्होंने अपनी एज को रिप्रेजेंट नहीं किया। उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, बहुत अच्छी राइटिंग्स दी हैं, बट एज से नहीं, मतलब एज के बारे में उन्होंने नहीं लिखा। लाइक उनका हम जो वर्क है उसको पढ़ के हम ये गेस नहीं कर सकते हैं कि
उस एज के पीपल की थिंकिंग क्या थी, ट्रेड कैसा था, कॉमर्स कैसा था, बट स्पेंसर ने बेस्ट रिप्रेजेंट किया है कि क्योंकि स्पेंसर के वर्क से वी कैन ईजली गेट द आइडिया कि मतलब क्या क्या चीज़ें थी कैसे. तो वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट का मतलब ही क्या, वो है जो वो अपने एज को बेस्ट रिप्रेजेंट करे अपनी वर्क पे. शेक्सपियर ने बहुत अच्छा वर्क दिया बट उन्होंने एज नहीं रिप्रेजेंट की है. सो इट इज़ द मेन डिफरेंस. नहीं समझ में आया तो डू लेट मी नो, तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूँ मेरे को क्या टॉपिक चाहिए है. ओके, इंडियन स्कल्पचर, सॉरी इटालियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग इम्पोर्टेड सेंसुअसनेस कलर इफेक्ट एंड लव एंड ब्यूटी टू इंग्लैंड. अब इटालियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इटालियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग इसलिए क्योंकि इटली से ही स्टार्ट हुआ था, तो वो अभी भी आदत नहीं होती कि उन्हीं उसने किया तो हम देख रहे हैं तो हम भी वही करेंगे. तो सेम चीज़ें इटली से स्टार्ट इटली में हुआ बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस बनाने, वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँ, मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, है ना. तो वही चीज़ें हैं. अब वो गलत करेगा, वो कुएं में कूदेगा तो अरे मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, मैं भी कूदूंगी, वही चीज़ें हैं. बट यहाँ कुएं में नहीं कूदा गया है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई गई हैं. तो क्या लाया था उन्होंने, सेंसुअसनेस कलर इफेक्ट एंड लव एंड ब्यूटी टू इंग्लैंड. देर वॉज अ क्रेज फॉर इटालियन मैनर एंड फैशन ड्यूरिंग शेक्सपियर पीरियड. इस पीरियड में वो एक क्रेज था, वो फैशन नहीं चलते कोई सारे कि किसी सेलिब्रिटी ने इधर तो फटे से कपड़े पहन लिए दैट इज़ अ क्रेज, हम भी फटा कपड़ा पहनेंगे, वैसे फट जाए तो नहीं पहनेंगे बट क्योंकि सेलिब्रिटी ने किया है ना तो ये वो, तो दैट इज़ कि वो क्रेज था उस इटालियन मैनर का, फंक्शन का. खुद का बोलना भले नहीं है, इटली की लैंग्वेज बोलेंगे, दिखावा हर जगह दिखावा, लोग नहीं करेंगे ना. एवरी ब्रीज वॉज डस्टी विद द पोलन ऑफ ग्रीस रोम एंड इटली. एवरीवेयर जो पोलन्स आ पोलन, हम बायोलॉजी से रिलेट नहीं करेंगे बट कुल मिला के इस लाइन का मतलब ये है कि हर जगह एसेंस था ग्रीक मैनर का, रोमन इटली, रोम इटली जो चीज़ें वहाँ पे होती थी क्योंकि ये डेवलप रही होंगी मेबी, तो वहाँ की चीज़ें आती थी. ओके, नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म के लिए गो टू द रेनेसा चैप्टर. मैं नहीं बताऊँगी, मेरा फ़ायदा करो, दूसरा वाला देखो मैं क्यों बताऊँ. सो रेनेसा हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द आइडियल्स ऑफ लाइफ. रेनेसा का एक बहुत इम्पैक्ट, मतलब प्रोफाउंड इम्पैक्ट था आइडियल्स ऑफ लाइफ पे. मतलब आइडियल्स वो सिद्धांत होते हैं कुछ कि दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ माई लाइफ जो मुझे एट एवरी कंडीशन एट एवरी सिचुएशन मुझे फॉलो करने हैं. तो इट चेंज्ड दैट आइडियाज, इट लिबरेटेड ह्यूमन थिंकिंग फ्रॉम इरेशनल एंड ह्यूमन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मेडिवल टाइम. जो मेडिवल टाइम था उसकी जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो फालतू की रिस्ट्रिक्शंस थी, उसको इसने हटाया रेनेसा ने. एक अलग ही थिंकिंग, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही आइडियोलॉजी रेनेसा ने दी. द एस्थेटिक आइडियाज वर रिप्लेस्ड बाय ह्यूमनिज्म एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ. बेसिकली ह्यूमनिज्म मींस मतलब एंजॉय करना है अपनी लाइफ, है ना, बर्डन नहीं लेके चलना है, जिस वी नीड टू बी रिलैक्स्ड, दैट इज ह्यूमनिज्म. थोड़ा सा मैंने बता दिया बट इट्स ओके, इतने से क्या समझ जाओगे. सो ऑल द आइडियाज वर रिप्लेस्ड बाय ह्यूमनिज्म एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ. The Hellenic view of life called humanism remarkably influenced the Hellenic literature. Sorry, Hellenic literature नहीं है यार, Hellenic view है. Okay, तो Hellenic view जो था, जो means जो humanism था, उसने बहुत ही remarkably influence किया था literature को. बहुत ही clearly visible भी है उस time के age में, but ऐसा visible नहीं है. अगर आप सिर्फ Elizabethan literature लेके चलोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि comparison करने के लिए हमें पहले की भी चीज़ें पता होनी चाहिए. तो उसके लिए just go and watch the चौसर के एरा के वीडियोस, तब समझ में आएगा कि क्या चेंजेस हैं, उस टाइम क्या लिखा जाता था, इस टाइम क्या लिखा जाता है, देन ओनली कंपेयर कर सकोगे, राइट. द ग्रीक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वाज फुल ऑफ लाइफ, टुवर्ड्स लाइफ वाज फुल ऑफ लाइफ, व्हाट इज दिस. खैर, जो एटीट्यूड था दैट वाज अ फुल ऑफ लाइफ, मतलब हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस ऑल अराउंड. ओके, द न्यू सीन ऑफ लाइफ ऑफ ग्लोरी डॉन्ड द एलिजाबेथ and the Elizabethans lived in an era when, तो जो भी नया सीन था, वो जो ग्लोरी था, वो उसका एक एग्जिस्टेंस है एलिजाबेथन में. और जो एलिजाबेथन थे, they lived at a time when bliss was in the dawn alive, to be young was very heaven. To be young means to be happy, because यही एक ऐसी है जो when we are मतलब happy childhood में भी होते हैं, but वो हमें समझ में नहीं आती, वो क्षणभंगुर होती हैं, but क्षणभंगुर very correct हिंदी, right. तो वो होती है बट वो समझ में नहीं आती, बट एट यंग एज वी नो एंड वी आर केपेबल टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू.
तो दिस मीन्स दैट ओके ह्यूमैनिज्म गेव बर्थ टू इंडिविजुअलिज्म एंड वर्ल्डलीनेस द हेलिक व्यू वॉज सेंटर्ड एट टू प्रेजेंट विद नॉट विद द फ्यूचर तो ह्यूमैनिज्म गेव बर्थ टू इंडिविजुअलिज्म ऑल्सो इंडिविजुअलिज्म मीन्स तो खुद ही इंडिविजुअल से इंडिविजुअलिज्म बना है ऐसे मेरा टीचर मेरे टीचर हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट तो उन्होंने वर्ड लिंक करके बताने मतलब वर्ड्स लिंक करके याद करने का को हमें बताया था कि जिससे वर्ड्स बहुत जल्दी याद हो तो इंडिविजुअलिज्म अब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं हम उसे इंडिविजुअल से कनेक्ट करके वो लिज्म कनेक्ट करके अगर बनाएंगे तो हमें एक साथ दो वर्ड्स याद होंगे तो इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल वर्ड से बहुत ज़्यादा लिंक अगर हम कर सकेंगे तो एक मतलब नॉर्मल सा व्यू तो समझ में आता है कि इंडिविजुअलिज्म मीन्स खुद के बारे में सोचना है तो इंडिविजुअलिज्म में खुद के बारे में सोचना होगा और ये जो व्यू था वो प्रेजेंट पे था कि वी हैव टू मेक आवर प्रेजेंट बेस्ट आज हमें खुश रहना है कल की फिक्र हमें नहीं करनी राइट द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म वाज दैट रेनेसम नॉट मैन केयर्ड नॉट एट ऑल फॉर द अथॉरिटी दे वर फ्री इन मेकिंग देयर ओन डिसीजन तो इसका इंडिविजुअलिज्म का वो इफेक्ट क्या था कि जो उस टाइम के पीपल थे दे वर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट अथॉरिटी कि कौन क्या कहेगा कौन क्या सोचेगा बस दे वर हैप्पी एंड दे वर हैप्पीली मेकिंग देयर ओन डिसीजन खुद के फैसले खुद ना कोई बर्डन नथिंग एल्स दैट इज एंड इट मस्ट बी देयर क्योंकि अभी हम भी देखेंगे ना हर कोई इज टॉकिंग अबाउट वो ऐसा कर रहा है वो ये चीज़ कर ले तो बेटर है मतलब दूसरों को बताने के लिए एवरी वन इज रेडी अपना कोई नहीं दिख रहा तो इट्स बेटर दूसरे के चेंज की जगह करने की जगह आप खुद चेंज हो जाओ खुद चेंज हो गए सारे खुद ही चेंज हो जाएंगे तो सोसाइटी ऑलरेडी चेंज हो जाएगी तो इट्स बेटर आप खुद ही चेंज हो जाओ किसी और को चेंज करने की जरूरत नहीं है लेट हिम डू हिज ओन वर्क इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी एंड एडवेंचर डिस्कवरी ऑफ एडवेंचर अच्छा अगर ये चीज रहने से आपने देखा होगा तो पता होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस क्योंकि उस टाइम पे डिस्कवरीज मतलब एक्सप्लोरेशन वॉज ऑल अराउंड हर फील्ड में एक्सप्लोरेशन था नए वर्ड्स का एडवेंचर्स हर जगह हो ही रहते तो वो उसने भी लिटरेचर को इफेक्ट किया कैसे वो देखते हैं द स्पिरिट रन्स थ्रू आउट द लिटरेचर ऑफ द एज एंड इवन आफ्टर दैट दिस स्पिरिट थ्रू आउट द एज तो चली इसके बाद भी वो स्पिरिट थी क्योंकि एक बार जो चीज़ आ जाती है वो इतनी जल्दी जाती नहीं जाते जाते जाती लाइक कोरोना अब आ गया है जाने का नाम ही नहीं ले रहा जाओ भाई नहीं चाहिए है ना द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट एंड सॉ रोमांटिक एसेंस इन इट तो जो पोएट्स थे और ड्रामेटिक्स थे जो पोएम्स और ड्रामा लिखा करते थे वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड थे और इसमें रोमांटिक एसेंस देखते थे अब ये वो वाला रोमांटिक एसेंस नहीं है गर्ल एंड बॉय वाला रोमांटिक दिस इज रोमांटिक पीरियड इन मतलब ये वाला रोमांटिक हमें नेचर से जोड़ता है एक दूसरे से नहीं जोड़ता है नेचर से जोड़ता है बिल्कुल ये अलग चीज़ें माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है बी फोकस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ओशियन बिकम द हाईवे ऑफ द नेशनल प्रोग्रेस ओशियन बिकम द हाईवे क्योंकि उस टाइम पे सीज के थ्रू ही जो भी सारे ट्रेड था वो सीज के थ्रू ही हो रहा था तो जो भी वो मतलब डिस्कवर हो रही थी वो सी के थ्रू ही हो रही थी वाटर बॉडीज से ही हो रही थी दैट्स वाई वी मे ट्रेस एवरीवेयर इन एलिजाबेथ एन लिटरेचर द इम्प्रेशन मेड बाय द वंडर्स टोल्ड बाय द सेलर्स तो एलिजाबेथ एन लिटरेचर में हम हर जगह वो स्पिरिट देख सकते हैं कि कौन से वंडर्स किसी सेलर ने जैसे कोई वॉयज पे गया फिर उसने कुछ वंडर्स थे कुछ एडवेंचर्स थे वो उसने देखे किसने को बताया एंड देन उन्हें एक लिटरेचरी फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो वो वी मे से एवरीवेयर The influence of voyage and discovery persisted long after the first bloom of Renaissance. Renaissance start होने से ये start हुआ Renaissance के बाद till now चल ही रहा है. Influence of revival of classical learning. अब मैंने जैसे पहले ही कहा कि classical revival rebirth ही है तो जो rebirth किसका होगा जो already एक बार जिसका birth हो चुका होगा तो जो classical learning पहले से थी अब वही को दोबारा लाएंगे with few changes. So, the classical revival of learning influenced the content, style and technique of the literature. So, revival learning ने क्या influence किया? Content, हमें पुराने contents मिले. Style change हुआ, technique भी change हुई. क्योंकि पुरानी सारी चीज़ें लेके आएंगे तो कोई movement तो वो है नहीं. क्योंकि वो तो पहले से ही चली जा रही है. जब तक change नहीं होगा, movement कैसे कहलाएगा? Right? With some changes. इन द सेंस टेक्निक चेंज हुई स्टाइल चेंज हुई कॉन्टेक्ट हमें पहले से कॉन्टेंट हमें पहले के मिले द प्लेटोनिक डॉक्ट्रिन्स दैट पोएट्स आर डिवाइनली इंस्पायर्ड वॉज वेल नोन टू कॉमन पीपल ऑल्सो प्लेटोनिक था कि पोएट्स जो है डिवाइनली पावर्ड होते हैं उन्हें मतलब अद्वितीय शक्ति मिलती है ये सब करने की नाउ इट वॉज नोन बाई एवरी वन इट वॉज नोन टू एवरी वन ओके
डॉक्ट्रिन ऑफ सिंथेसिस इंक्लूड स्पेशल हाइमेन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, मैं नहीं बताऊंगी। द सोनेट एंड द ब्लैंक वर्स आर द टू इम्पोर्टेड मीटर्स विच आर यूज इन दिस एरा। तो सोनेट्स थे, सोनेट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू गाइज मस्ट चेक दैट। प्लीज 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 मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। थक जाती हूँ यार मैं बोलते बोलते। तो सोनेट एंड ब्लैंक वर्स अच्छा, ये मीटर्स हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं लिटरेरी डिवाइसेस, तो ब्लैंक वर्स उनमें से एक है जो इस एरा में यूज़ किए जाते थे। इफ़ यू गाइज वॉन्ट इसका भी वीडियो, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो यस, टॉपिक एक मिल गया नया वीडियो बनाने के लिए, बहुत जल्दी ये भी अपलोड कर देंगे, ओके। द स्पिरिट ऑफ रेशनल एंड साइंटिफिक क्वेस्ट, द रेनेसा ऑल्सो फॉस्टर्ड द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ रेशनल एंड साइंटिफिक क्वेस्ट, के क्वेश्चन पूछने का एक स्पिरिट था कि जो चीज़ें चल रही है, अगर ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास हमें करना है कि हाँ ये चल रही है तो सही है, क्यों सही है, गलत भी तो हो सकती है, और जब अगर वो गलत है तभी तो, जब हमें वो पता होगा कि ये गलत है तब हम कुछ नया स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चनिंग स्पिरिट था। इसके पहले क्या था, जो बता दिया जाता था आँख बंद करके विश्वास, बट हेयर जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि ये सही है तो क्यों सही है, तब तक नो मैटर वॉट करना ही करना है, ओके। रीजन हैड बीन पुट फोर्थ एज द बेस्ट गाइडिंग फैक्टर ऑफ ह्यूमन, रीजन होना ही चाहिए बेस्ट गाइडिंग फॉर, क्योंकि हर चीज जो हम कर रहे हैं उसके पीछे द मस्ट बी अ रीजन, ओके। सो द रियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ नेचर एंड वर्ड्स ऑफ गॉड वर सॉट थ्रू द रीजन, जो भी सारी चीजें थी, नेचर हो, कैरेक्टराइजेशन हो, एवरीथिंग, उसके पीछे एक रीजन होता था, रीजन के साथ लेके ही चलते थे, जब तक रीजन नहीं कुछ नहीं। मेक एन अपील टू द रीजन ऑफ मैन, अब वही चीजें हैं कि मतलब एक रीजन तो होना चाहिए ना हर चीज के लिए, दैट व्हाट इज, जो भी चल रहा है, व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, क्यों, कुछ तो रीजन होगा, सही होगा, गलत होगा, एनीथिंग, कुछ तो होगा, और बिना रीजन के देयर इज नथिंग। अगर मैं यहाँ वीडियो भी बना रही हूँ तो देयर इज अ रीजन, वो मैं नहीं बताऊंगी व्हाट इज द रीजन, समझदार को इशारा काफी, सब्सक्राइब कर देना, ओके। बेकन इज द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ दिस आइडिया, बेकन ने सबसे ज्यादा फॉलो किया, इज द हाईएस्ट प्रीस्ट, प्रिंस ऑफ द फादर ऑफ इंग्लिश एसीएस, यस। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज फॉल ऑफ मैन ड्यू टू द रिफ्यूजल टू ओबे इज रीजन, पैराडाइज लॉस्ट की ये थीम भी है, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बहुत 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 ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका थीम ही यही है कि मैन का जो फॉल है वो इसीलिए क्योंकि वो अपने रीजन को ओबे करने से मना कर दे। नाउ कंक्लूजन, द एज ऑफ शेक्सपियर, जो भी पियर थे, शेक्सपियर थे, टंग ट्विस्ट नहीं हो रही, यू गाइज एडजस्ट, द एज ऑफ शेक्सपियर इन विच रेनेसा फाइंड इट्स हाइएस्ट एंड द मोस्ट स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन मेक्स द रियल बिगिनिंग ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर ऑफ लिटरेचर। द एज ऑफ शेक्सपियर था जिसमें रेनेसा फाइंड इट्स क्लाइमैक्स, दैट इज द रियल बिगिनिंग ऑफ अ रियल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिटरेचर। थैंक यू।